चौरी थाना क्षेत्र के धनापुर गांव में एक किशोर की ट्यूबवेल की टंकी में नहाते समय करंट की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। आनन फानन में परिजनों के द्वारा मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि चौरी क्षेत्र के धनापुर गांव निवासी बाबुल नाथ गुप्ता का 15 वर्षीय लड़का शिवम गुप्ता अपनी फल की दुकान से नहाने के लिए गाँव स्थित प्रमोद तिवारी के हाफ ट्यूबवेल पर गया था। ग्रामीणों के अनुसार बताए जाने पर लगभग कई दिनों से ट्यूबवेल की टंकी खराब चल रही थी, उसे अभी तक ठीक नहीं किया जा सका। आज अचानक शिवम गुप्ता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ट्यूबवेल पर नहाने लगा, जिससे नहाते समय पानी की टंकी में विद्युत धारा प्रवाहित हो गई और देखते ही देखते उक्त किशोर के पास पहुंच गई और किशोर की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक शिवम गुप्ता कक्षा 9 का काफी होनहार छात्र था। शिवम 2 भाई थे और एक बहन में से सबसे बड़ा था। वही बेटे की मौत के बाद माँ सीमा देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस दर्दनाक हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है। ऐसी घटना से क्षेत्र में शोक के साथ ही चर्चा का विषय बना हुआ है।